रविवार शाम से लगातार हो रही बारिश के चलते नवापारा और राजिम के मध्य स्थित पैरी, सोढ़ोर और महानदी के त्रिवेणी संगम में साल की पहली बाढ़ आ गई है। रविवार शाम तक संगम में महज 15% पानी मौजूद था, लेकिन रविवार शाम से शुरू हुई बारिश और गरियाबंद क्षेत्र से संगम से आ रहे पानी के चलते सोमवार सुबह से संगम में पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। इस वक्त संगम में लगभग 15 फीट पानी मौजूद है। संगम के मध्य स्थित विश्व प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव के मंदिर का 26 फुट ऊंचा चबूतरा इस वक्त 15 फुट तक पानी में डूब चुका है। इसके चलते इस वर्ष पहली बार महादेव की सुबह होने वाली पूजा मंदिर के पुजारी तट से ही कर रहे हैं। आपको कहां से आए हुए हैं और आपको यहां बाढ़ देख करके कैसा महसूस हो रहा, बताएंगे, बोलिए। हम लोग टंकेनी गाँव से आए हैं और यहां का बाढ़ देखने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसे लग रहा है। आपका नाम क्या बताएंगे? संतोषी महिला जी, शुक्रिया। ये जो सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं, तो इसको देख करके आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, बताएंगे, बोलिए। ये त्रिवेणी संगम जिसमें सोढ़ू, पैरी एवं महानदी, तीनों नदियां मिल करके संगम कहलाती है, और वर्षा ऋतु एक ऐसा समय होता है जिसमें तीनों नदी की धारा एक साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद वहाँ का जो दृश्य होता है, अभी आप जो दृश्य यहाँ पर जो परिलक्षित हो रही है, उनको देखने से ऐसा लगता है कि हम कोई समंदर के किनारे खड़े हुए हैं। और वैसे भी ये धर्म धरा है, धर्म नगरी है, जहाँ साक्षात कुलेश्वरनाथ महादेव त्रिवेणी संगम के बीच में स्थित है। तट में भगवान राजीव लोचन है, माँ महामाया की नगरी है ये, और इस नगरी को धर्म धरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी देवी देवताओं का, चाहे आप उसको दृश्य रूप में कहो या अदृश्य रूप में कहो, वास है। और यहाँ का जो नज़ारा देखने के लिए ना सिर्फ गरियाबंद जिले या फिर रायपुर ज़िले के लोग आते हैं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से लोग सिर्फ वर्षा काल में, वर्षा ऋतु जब बाढ़ आती है, तो उस समय देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। और बहुत सुंदर नज़ारा, हमें तो रोमांचित कर दिया ये नज़ारा आज देख करके। जी, आपको ना बताएंगे? जी, मैं संतोष कुमार सोनकर, हाँ से चौबे बांधा से बिलोंग करता हूँ मैं। जी, शुक्रिया। Thank you.